कौन पहले मारता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस शेर से वो नफरत करते हैं, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते ना, इसलिए दया वया के भाषण झाड़ते हैं। क्या सलार और केजीएफ चैप्टर 2 का क्लैश होगा? केजीएफ चैप्टर 2 को सलार के साथ कंपेयर क्यों किया जा रहा है? प्रशांत नील द्वारा डायरेक्टेड कौन सी मूवीज इस रेस में जीतने वाली है? साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की इन दिनों बड़ी फिल्मों में छिड़ गई है जंग। हालांकि ये एक फ्रेंडली कॉम्पिटिशन है, लेकिन फिर भी ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि इन दोनों फिल्मों में से इस घमासान रेस का बादशाह कौन सी फिल्म बनती है। सलार और केजीएफ 2 की तुलना करी जा रही है क्योंकि दोनों में ही काफी सिमिलैरिटीज है, लेकिन इन्हीं सिमिलैरिटीज को पार ले जाकर कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस में ज्यादा बड़ा धमाका करती है, यही होगी इस पिक्चर की अचीवमेंट। सबसे पहले हम सिमिलैरिटी की बात करें तो दोनों ही फिल्मों को प्रशांत नील ने डायरेक्ट किया है। वैसे तो प्रशांत नील साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काफी समय से ही मूवीज बना रहे हैं, लेकिन केजीएफ चैप्टर 1 के साथ जो बॉम्ब उन्होंने फोड़ा है, वही से प्रशांत नील को सब इतना ज्यादा पसंद करने लगे हैं। इस वजह से केजीएफ चैप्टर 2 के लिए भी लोग दीवानों की तरह इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस रेस में अब एक और फिल्म ने अपना नाम लिखवा दिया है, जो है सलार। सलार भी प्रशांत नील द्वारा डायरेक्टेड फिल्म है, और ये भी एक वजह है कि लोग इन दोनों मूवीज को कंपेयर कर रहे हैं। दोनों के सिमिलैरिटीज में भुवन गौड़ा का भी नाम आता है। भुवन गौड़ा सलार और केजीएफ फिल्म सीरीज के सिनेमाटोग्राफर है। साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बेस्ट सिनेमाटोग्राफर्स में से एक है, और इनकी पिक्चराइजेशन और सिनेमाटोग्राफी के लेवल को छू पाना काफी बड़ी बात है। केजीएफ चैप्टर 1 में इतनी रियलिस्टिक और जबरदस्त सिनेमाटोग्राफी के बाद भुवन गौड़ा को बहुत तारीफें मिली, और सलार में भी भुवन गौड़ा ही सिनेमाटोग्राफी करने वाले हैं। बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती, क्योंकि सिमिलैरिटीज की लिस्ट में प्रोडक्शन हाउस भी शामिल है। केजीएफ चैप्टर 2 और सलार दोनों को ही होमले प्रोडक्शन कंपनी द्वारा लॉन्च किया जाने वाला है। दोनों ही कितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ये हम सभी जानते हैं, इसलिए इन दोनों फिल्मों को कंपेयर किया जा रहा है। दोनों में से कौन सी पिक्चर बॉक्स ऑफिस के चार्ट्स को फोड़ती है, ये देखना काफी ज्यादा एक्साइटिंग होगा। इन दोनों फिल्मों की तुलना करने का एक और बहुत बड़ा कारण ये भी है कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के दो बड़े सितारे इन दोनों फिल्मों के लीड एक्टर हैं। केजीएफ चैप्टर 2 में हमें दिखने वाले हैं यश, वही सलार में प्रभा, और इन दोनों को ही एक्शन अवतार में देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब इन दोनों फिल्मों में ये हेल्दी कॉम्पिटिशन वाली रेस में जीत किसकी होगी, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो उसी के साथ वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसे चटपटी चीजें आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो इसी के साथ मैं तेजल आप सबसे इजाजत लेती हूँ।